अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे आप राइस के साथ या चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं अभी लॉकडाउन पीरियड्स चल रहा है, तो मैं सभी से यही कहूंगी कि प्लीज सब अपने घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। सब्जी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो इस तरह से, यहाँ पे हमने अरबी लिया है 200 ग्राम के करीब। इसको हमने छिल के, अच्छे से बाहर का छिलका निकाल के इसको पीसेस पे कट कर लेना है, दो दो करके, अगर बड़ा हो तो चार पीसेस पे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है और इसको उसके बाद नमक पानी से अच्छे से वॉश करना, ताकि इसका जो चिपचिपाहट हो कम हो जाए। तो ड्राई मसाले में लगेंगे हमको रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब, या आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, एक बड़ा चम्मच नमक स्वाद अनुसार, लेमन जूस, एक नींबू का रस है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना खट्टा पसंद है। और यहाँ पे हमने फौरन के लिए पचफौरन लिया है। पचफौरन में हमने लिया है सौंफ, कलौंजी और मेथी दाना। यहाँ पे हमने लिया है गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून के करीब, और यहाँ पे हमने लिया है मस्टर्ड का पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट में हमने बनाया है येल्लो, ये वाला जो येल्लो मस्टर्ड होता है, इससे ही आपको बनाना है। और इसमें एक कच्चा मिर्चा, हरी मिर्च और थोड़ा नमक दे के, और साथ में लहसुन भी आप साथ में ही दे सकते हैं 5-6 कली, और एक साथ पेस्ट बनाना, पीस के ऐसे तैयार करना है। आते हैं अरबी की सब्जी। तो हमने यहाँ पे गैस में कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी। जैसे ही कढ़ाई गर्म होगा हम ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैं मस्टर्ड का ऑयल यूज कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कढ़ाई गर्म हो गई, तो अब हम तेल डालेंगे। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पचफोरन डालेंगे, जो हमने बनाया था सौंफ, मेथी और कलौंजी को डाल देंगे। इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे, उसके बाद आप अरबी डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। टर्मरिक पाउडर देंगे, हम इसे 1 मिनट तक भूनेंगे। भूनते हुए 1 मिनट हो गया है, थोड़ा फ्राई कर लिए हमने। तो अब हम इसमें मस्टर्ड जो पेस्ट हमने बनाया था उसे डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ ही हम जीरा पाउडर भी डाल देंगे। लाल मिर्च, रेड चिल्ली पाउडर भी डाल देंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी पीसी है इसमें, तो अपने अंदाजा से डालिएगा जितना आपको तीखा पसंद है। अब इसको 2 सेकंड तक फ्राई करना है। तब इसे हम फ्राई करेंगे जब तक तेल ना छोड़े। तो देख सकते हैं तेल छोड़ना शुरू कर दिया मसालों ने, तो और ज्यादा नहीं भूनेंगे इसको। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी अब अपना अंदाजा से डालना, जितना आपको ग्रेवी पसंद है। इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली होती है, ज्यादा गाढ़ा नहीं। थोड़ा पानी डालेंगे इसको और पकने के लिए छोड़ देंगे अरबी, ताकि अरबी अच्छे से पक जाए। करीब 1 कप के करीब लग गया पानी। अब हम इसे ढक्कन से कवर करके छोड़ देंगे जब तक उबाल नहीं आए। तो ये बनके तैयार हो गई हमारी अरबी की सब्जी। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है,
और देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो अब हम लास्ट में गैस ऑफ करके लेमन जूस डाल देंगे। जितना आपको खट्टा पसंद है उतना, और इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे ढक के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करना ना भूले, और मेरे इस चैनल को एक लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।